जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि बीटेक किस ब्रांच से करें, कौन सी ब्रांच बेस्ट है 2021 में, जिसे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, किस में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, किस में सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज होता है। तो एक एक ब्रांच को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्या उसका स्कोप है, क्या उसमें कराया जाता है, उसमें फील्ड जो है आपका किस तरीके का आपका उसमें करियर रहता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बेस्ट ब्रांच इन बीटेक, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमें ब्रांच सेलेक्ट करने में ही आती है। जब हम बीटेक करने के लिए जाते हैं तो बीटेक बहुत सारी ब्रांचेस से हम करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सीएस का। सीएस बोले तो कंप्यूटर साइंस, इसको हम सीएसई भी बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहली जो सबसे टॉप ब्रांच जाती है आज की डेट में 2021 में, वो सबसे पहली ब्रांच है सीएस। अब क्यों है सीएस? यदि हम बात करें सीएस की, तो आज की डेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंप्यूटर। सभी सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? कंप्यूटर पर डिपेंड करती हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है। रीजन क्या है? आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी आपकी शॉपकीपर से लेकर यहां तक बड़े से बड़े बिजनेसमैन की, सभी की आपको वेबसाइट मिलेगी, सभी के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, सभी की ऐप मिलेगी, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में जो आपकी एप्लीकेशन है उन सबको कौन डेवलप करता है, उन सबको कौन बनाता है? सब बनाते हैं आपके कंप्यूटर इंजीनियर, यानी कि बीटेक सीएस वाले या बीसीए वाले, एमसीए वाले बच्चे। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है कभी भी कम होने वाली नहीं है। रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब किससे जुड़ी हुई है? कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। आप मैकेनिकल की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, सब सारी चीजों में कंप्यूटर जरूर मिलेगा आपको। तो कंप्यूटर की जो वैकेंसीज है कभी कम होने वाली नहीं है। इसमें आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है आज की डेट में, आपका इंडियन आर्मी में भी निकलती है, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें भी निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो बहुत ज्यादा जॉब स्कोप है। तो यदि सबसे टॉप ब्रांच की हम बात करें तो वो है आपकी कंप्यूटर सीएस, यानी कि सीएस ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हैं। दूसरा आते हैं, यदि हम दूसरी ब्रांच की बात करें तो दूसरा नाम आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या? मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि एमई। तो एमई भी आप कर सकते हैं, बीटेक मैकेनिकल से कर सकते हैं। इसका भी स्कोप काफी अच्छा है, यानी कि आप देखते हैं आज की डेट में जो आप देखते हैं कि अलग अलग रोज एक नई गाड़ी आ रही है, नई बाइक आ रही है, नई कार आ रही है, यानी कि जितने भी ये सब मैकेनिकल के पार्ट आप देखते हैं, एक से एक नई गाड़ी आपकी आ रही है, तो उन सबको कौन डिजाइन कर रहा है, कौन बना रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सारी चीजें कौन कर रहा है, वो सब मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं। अलग-अलग कंपनीज हैं, अलग-अलग कंपनीज में जो काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जो उनके पार्ट बन रहे हैं, जैसे आपका श्रीराम पिस्टन है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, यामा है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, तो ये सब सारी चीजों में जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं भाई? आपके मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं। उसमें भी फिर आपका काम डिवाइड हो जाता है कि आपका जो एक किस तरीके से उसका जो डिजाइन होगा, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगी, पार्ट, ये सब सारी चीजें उसमें चली जाती हैं, ऑटो प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं तो इसमें भी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। मैकेनिकल में भी मैकेनिकल ब्रांच काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में आपकी रेलवे में वैकेंसी निकलती है, बहुत सारी इसकी जो वैकेंसी निकलती है। प्राइवेट सेक्टर में तो इसका अच्छा खासा स्कोप है। तो यानी कि सेकंड नंबर पे जो रखा गया है वो किसको रखा गया है भाई? मैकेनिकल को। साथ ही वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, लास्ट में एक जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो देखना मत भूलिएगा। इससे आगे बात करते हैं तीसरी ब्रांच की, जो थर्ड है वो है आपका ईई, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। आपने देखा होगा इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में अच्छा खासा स्कोप है इसका, रेलवे में हो गया, जो आपका विद्युत विभाग है यानी कि जेई की वैकेंसी निकलती है उसमें, तो बहुत सारा इसका गवर्नमेंट में स्कोप है, यानी कि इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल के जितने भी आपके पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी कंपनीज हैं, फिलिप्स हो गया, आपके बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उन सब में इसकी अच्छी खासी जॉब वैकेंसीज निकलती है। इलेक्ट्रिकल का भी काफी अच्छा खासा स्कोप है, तो आप इलेक्ट्रिकल से भी कर सकते हैं। इसको जो मैंने रखा है वो रखा है थर्ड नंबर पे। इससे आगे नेक्स्ट
यदि हम बात करें तो वो आता है ईसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इससे भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो आपकी ब्रांच है कुछ हद तक जो रिलेटेड होती है वो होती है सीएस से, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं उसमें आपको जॉब वैकेंसीज मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बोले तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर को खुला हुआ देखते होंगे या रेडियो टीवी, तो उसमें ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई होती है। तो जो ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई होती है वो लगी हुई होती है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसका भी स्कोप ठीक है, यानी कि जो मैंने फोर्थ नंबर पर इसको रखा है तो इसमें भी जॉब वैकेंसीज काफी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे आपका बीएसएनएल है इसमें है, तो बहुत सारी वैकेंसीज इसमें भी निकलती हैं। ज्यादा तो स्कोप इसका मतलब गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है इनके कंपैरिजन में, लेकिन हां वैकेंसीज आती हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट मैंने रखा है, नेक्स्ट है आपका सीई, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका जो सारा टोटल पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी कि आपका जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती हैं, बिल्डिंग बनना है, पुल बनना है, आपका जो भी आपके जो बड़े बड़े फ्लैट बनने हैं, तो ये सब सारी चीजें किस कौन डिजाइन करता है, कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर, यानी कि उनके नक्शा से लेकर, उनके डिजाइन से लेकर, उनका जो मेन फ्रेम है उससे लेके पूरा डिजाइन कंप्लीट करना, इंटीरियर डिजाइनर आउटसाइड, तो ये सब सारी चीजें कौन करता है? वो करता है आपका सिविल इंजीनियर। इसमें भी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा खासा स्कोप है। गवर्नमेंट में जो इसकी वैकेंसी निकलती है रेलवे में निकलती है, यानी कि जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन चलता है, रेलवे का पुल हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई, नेशनल हाईवे हो गया, यानी कि जो नेशनल हाईवे बनते हैं उसमें सिविल इंजीनियर की, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जैसे एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं, या आपके जो गवर्नमेंट के फ्लैट बन रहे हैं, या फिर आपके जो गवर्नमेंट की जो कोई भी स्कीम चलती है, तो उनको कौन डिजाइन करता है, कौन बनवाता है? सब सिविल इंजीनियर ही कराते हैं। तो इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आदित्य बिरला ग्रुप, जो भी आप देखते हैं सिग्नेचर स्ट्रीट, ये सब जो डिजाइन करके जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? सिविल इंजीनियर बना रहे हैं। अच्छी खासी इसमें सैलरी है और इसका जो स्कोप है काफी अच्छा है, ठीक है इसका स्कोप। और इसको जो मैंने रखा है वो सिक्स कैटेगरी पर रखा है, यानी कि छठे नंबर पर रखा है। तो सिविल इंजीनियरिंग से भी आप बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद में है आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसका स्कोप थोड़ा सा कम हो गया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है थोड़ा सा, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा अलग से, यानी कि सीएस और आईटी। कहते हैं कि सीएस और आईटी सेम है, नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि सीएस क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस, और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लग रहा है कि भाई दोनों एक ही चीज के लिए है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये हो गई है आपकी जो मेन मेन ब्रांच है, टॉप मोस्ट ब्रांचेस हैं। अब आज की डेट में और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यानी कि जैसे हम बात करें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, बीटेक किससे कर सकते हैं भाई, आप एरोनॉटिकल से कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, जो कि नई ब्रांच है, बढ़िया ब्रांच है, उसमें भी जॉब वैकेंसीज काफी अच्छी हैं। तो इन पर मैंने आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि इनमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या इनमें आपको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने सिर्फ क्या दिया है, ओवरव्यू दिया है कि आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ये सीक्वेंस वाइज है। यानी कि सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच की हम बात करें वो कौन सी है, सीएस, उसके बाद में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल आपका, और उसके बाद में आपका सिविल हो गया, उसके बाद में आईटी है, और उसके बाद में फिर और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये मैंने आपको मेन मेन ब्रांचेस बताई हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले भी एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। यदि आप भी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच से करना चाहते हैं, या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो कि स्कॉलरशिप आपकी वो गवर्नमेंट से अलग होती है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का कोई चार्जेस नहीं है, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य कराइएगा। तो साथियों अब हम बात करते हैं जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। साथियों आप बीटेक या कोई भी कोर्स किसी भी ब्रांच से आप करिए, डिपेंड करता है कि आप हर कोर्स का स्कोप बहुत अच्छा है और
और हर कोर्स में आपको जॉब भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपने जो ये कोर्स किया है कहां से किया है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वहां की जो प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट है वो कैसी है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपने क्या सीखा है, यानी कि इन 4 साल के अंदर आपने क्या सीखा है, वो बहुत ही जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है। भाई यदि आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप किसी भी ब्रांच से आप अपना बीटेक कीजिए, यदि आप उसमें टॉप में हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, हर ब्रांच में अच्छी आपको जॉब मिल सकती है यदि आपके अंदर टैलेंट है। तो आप अपना अच्छे से कंप्लीट कीजिए बीटेक, और जिस भी ब्रांच में, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यदि आपको मैकेनिकल की चीजें अच्छी लगती हैं, आपको कार डिजाइन करना, बनाना, ये सब सारी चीजें, तो आप मैकेनिकल से करिए। आपको बिजली का अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप इलेक्ट्रिकल से करिए। यदि आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है, वेबसाइट बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, तो आप सीएस से करिए। तो आप जो ब्रांच चाहते हैं वो उस ब्रांच से आप कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।